दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर ये टूटा हुआ बूम बैरियर इस बात का गवाह है कि यहाँ पर जो कुछ वक्त पहले हुआ था वह ऐसा हुआ जो कि सीएम आवास के बाहर लगी सिक्योरिटी को एक बड़ा खुला चैलेंज था। इतना ही नहीं, जो मेन गेट की दीवार है उस मेन गेट की दीवार को आप देख करके आपको चारों तरफ इस वक्त काला नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से स्टाफ काम कर रहा है वो स्टाफ यहाँ पर साफ सफाई कर चुका है, लेकिन इन सब के बीच आपको दिखाएंगे ये वो पेंट है जो लाया गया था और इसी पेंट को यहाँ पर लगाया गया था और ऐसा लगता है कि पूरे प्लान के तहत जो भाजीमो के कार्यकर्ता वो यहाँ पर आए हुए थे और सबने एक पेंट लिया और ये लाल पेंट है और ये लाल पेंट से हाथ का पंजा बना दिया और इस कुछ इसी तरह का जो पंजा है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये देखिए पेंट के निशान आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे, यहाँ पर भी दिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर भी है। ये सिक्योरिटी का कमरा है जहाँ पर ये बैठते हैं और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर भी जो पंजों के निशान हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और सीसीटीवी ये देखिए सीसीटीवी के साथ भी छेड़छाड़ की उसे भी डैमेज किया गया है और पुलिस को भी इस बात के सबूत मिलते हैं। ये सीसीटीवी कैमरा सबसे बड़ा सबूत होगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर हुआ था और यही वजह है कि पुलिस अब सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जाँच करेगी। अब तक पुलिस ने तकरीबन 50 लोगों को हिरासत में लिया है, भाजीमो के कार्यकर्ता हैं जिनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 11:30 बजे का वक्त था और उसी दौरान जो है कुछ प्रोटेस्टर्स बैरिकेड को चकमा देते हुए पुलिस को चकमा देते हुए यहां पर आ पहुंचे और उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब पुलिस जाँच करेगी कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन पवन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।